अमीन सयानी नहीं रहे। 51 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। समूचे हिंदुस्तान ने सालों साल तक रेडियो पर बिना का गीतमाला में उनकी आवाज में बहनों और भाइयों सुना। वो इसी संबोधन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते थे। उनका संबोधन अमूमन कहे जाने वाले भाइयों और बहनों के उलट था। ये अमीन सयानी की आवाज का जादू ही था कि उन्हें इंडस्ट्री में कमाल की इज्जत मिली। वो बड़े बड़े कलाकारों से पूरे अधिकार के साथ बात करते थे। बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को नाम लेकर पुकारते थे। उम्र में छोटे कलाकारों को वो पूरे अधिकार के साथ तुम कहकर बुलाते थे। अमीन सयानी गायक नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज लोग गायकों की आवाज से पहले पहचान लेते थे। रेडियो सुनने और पसंद करने वालों का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो मुकेश या KL सहगल, रफी या महेंद्र कपूर, लता जी या सुमन कल्याणपुरम की आवाज पहचानने में गलती कर सकता था, लेकिन अमीन सयानी की आवाज पहचानना सबसे आसान था। हालांकि ये काम सबसे आसान था, लेकिन अमीन जी का काम सबसे कठिन था। अमीन सयानी भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हों, लेकिन उनके किस्से और कहानियां काफी दिलचस्प हैं। फिर चाहे अशोक कुमार से उनकी खटपट हो या फिर अमिताभ बच्चन को वॉइस ऑडिशन के लिए टरका देना हो। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अमीन सयानी को बिग बी एक जमाने में वॉइस ऑडिशन देने आए थे। ये किस्सा 60 के दशक का है। उन दिनों मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में अपने दो दो प्रोग्राम की वजह से अमीन काफी बिजी रहते थे, और ऐसे में एक दिन अचानक अमिताभ बच्चन बिना अपॉइंटमेंट लिए आ गए। उनके पास वॉइस टेस्ट के लिए पहुंचे थे। काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से ऑफिस स्टाफ ने बिग बी को उनसे मिलने नहीं दिया। बिग बी ने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद बिग बी ने ऑडिशन देने का इरादा ही छोड़ दिया और एक्टिंग का रुख कर लिया। इस मुद्दे पर अमीन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, जो हुआ वो अच्छा हुआ। उस वक्त अगर मैं इतना ज्यादा बिजी नहीं होता तो शायद देश एक बड़े कलाकार से वंचित रह जाता। अमीन सयानी ने प्रदीप सरदराना से खास बातचीत में कहा था, मैं अपनी आत्मकथा लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी की तमाम खास बातों को एक किताब के रूप में दुनिया के सामने रखूं, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि मैंने किन किन संघर्ष और किन किन विकट परिस्थितियों के बावजूद कैसे सफलता पाई। मैं समझता हूँ इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग मुझे याद रखेंगे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश फिलहाल अधूरी रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, #भारत।